क्रिकेट जगत में मची खलबली। ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी की वजह से टीम पाकिस्तान ने किया तीसरा टेस्ट मुकाबला खेलने से इनकार। जी हां दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरा मामला, साथ ही पाकिस्तान टीम ने तीसरा टेस्ट मुकाबला खेलने से क्यों किया इनकार, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की टीम फिलहाल शान मसूद की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर है, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इन तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती दो टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 360 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की, जबकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 79 रनों से पाकिस्तान को हरा दिया। यानी कि तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के दो टेस्ट मुकाबले पाकिस्तान की टीम गंवा चुकी है और सीरीज में 0-2 से पीछे हो गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला बुधवार 3 जनवरी से खेला जाना है, जो कि रविवार 7 जनवरी तक सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की टीम अब तीसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेगी। दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का मानना है कि जिस तरह से बेईमानी से पाकिस्तान टीम को दूसरे टेस्ट मुकाबले में हरवाया गया है, उसके बाद पाकिस्तान टीम को तीसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद रिजवान के आउट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान टीम रिजवान के आउट को लेकर ICC में भी शिकायत दर्ज कराने जा रही है। पाकिस्तान टीम को लगता है कि रिजवान को बेईमानी से आउट दिया गया है। ऐसे में फैंस का मानना है कि अब पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलना चाहिए और अपने स्वदेश वापस लौट आना चाहिए। दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें, आपके मुताबिक क्या पाकिस्तान टीम को तीसरा टेस्ट मुकाबला खेलना चाहिए या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।